वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू सेट पासवर्ड टू एनी फोल्डर, कि हम अपने फोल्डर में किसी भी फोल्डर को हम पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं ताकि कोई भी उसे ओपन ना कर सके और आप अपने फाइल्स और अपनी जो भी डाटा उस फोल्डर में ट्रांसफ़र कर सके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोल्डर जनरेट कैसे करते हैं, उस फोल्डर में अपने डाटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उस फोल्डर के नेम प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कैसे करते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कि उस फोल्डर का नाम और उस फोल्डर को हाइड कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी, वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देखें मेरी, ये हाउ टू क्रिएट फोल्डर एंड ट्रांसफर डाटा इन फोल्डर, तो इसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी और मैंने हाइड करना बताया था। तो हाइड करेंगे तो वो आपको पता होगा, या कोई भी उसको फिर दोबारा से अनहाइड कर सकता है। लेकिन आज हम देखेंगे उस फोल्डर को हम पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं कि वो पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता होगा और आप ही ओपन कर सकेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी ये दो फाइल्स हैं, ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, इनको मैं अपने फोल्डर एक न्यू फोल्डर बना के उधर सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सेव करता हूँ कट कंट्रोल एक्स, इसकी शॉर्ट की है, और अगर राइट क्लिक करके कट करेंगे तो ये कट हो गया। अब मैं फोल्डर जनरेट करता हूँ कहाँ पे, अपनी सी ड्राइव में, अपने सी ड्राइव में जाके, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ही सी ड्राइव है। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं अपना न्यू फोल्डर करता हूँ जनरेट। इस फोल्डर में मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, या राइट क्लिक करके पेस्ट, ये मेरी फाइल यहाँ पे आ गई। इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम, इम्पोर्टेंट डाटा। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके इसको हिडन कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, फिर अनहाइड हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख लीजिएगा। आज हम सीखेंगे कि इसको पासवर्ड कैसे लगाना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इसको, राइट क्लिक करके मैं इसको करता हूँ ऐड टू आर्काइव। ठीक है, ऐड टू आर्काइव, ये फिर मैं करता हूँ सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड कैप्स लॉक इन ऑन है, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। मैं पासवर्ड यहाँ पे लगा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये री एंटर दोबारा से पासवर्ड लगाया। ठीक है, देखना है तो ये देखें, शो पासवर्ड 12345 मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। ठीक है जी, कंफर्म करने के लिए इसको हम चेक करें। अब इनक्रिप्ट फाइल नेम्स, ये लाजमी करना है, इनक्रिप्ट फाइल नेम्स और ओके कर देना है, और ओके कर देना है। डू यू वांट टू अलाउ दिस चेंजेस, यस यस कर देना। अब देखें इंपॉर्टेंट डाटा, ये अब ये देखें, ये इंपॉर्टेंट डाटा, ये आर्काइव बन गया। अब मैं इसको देखो डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये फोल्डर ओपन नहीं हो रहा, ये पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड लगाना है वही 1 2 3 4 5। ओके, अब ये देखिए इसको करो क्लोज, ये मेरा इंपॉर्टेंट डाटा पड़ा हुआ है और ये मेरी फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पुराना डाटा बनाया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक करें और ये डिलीट करें। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब देखिए किसी को नहीं पता ये फोल्डर क्या है क्या नहीं, ये आपको पता है इंपॉर्टेंट डाटा आपने एक फोल्डर बना हुआ है। इसका देखिए आइकन भी चेंज हो गया, ये आर्काइव विन आर फाइल के साथ, इसको डबल क्लिक करना है। जब भी ओपन करना है तो आपको अपने पासवर्ड लगाना है। अब इसके अंदर आप जो मर्जी डाटा रखें, अपनी पिक्स रखें, वीडियो सॉन्ग फाइल्स वगैरह जो मर्जी, इसको क्लिक करें और ये मेरी फाइल्स आ गई। तो ठीक है जी, इस तरह आप अपने फोल्डर को पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि कोई भी उस फोल्डर को ओपन ना कर सके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, दोबारा इसको उसी फॉर्म में लेके आऊँ, तो मैं फिर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट डाटा। जो अपने फोल्डर का नाम बनाया होगा ना वही नाम आएगा, राइट क्लिक करके बस इसको करना एक्सट्रैक्ट। क्या करना है, एक्सट्रैक्ट टू इम्पोर्टेंट डाटा, यहाँ पे क्लिक करना, फिर दोबारा से आपको पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए वो फिर डाटा बन गया इम्पोर्टेंट डाटा, अब ये देखिए ओपन हो जाएगा। सही है जी, अब बेशक मैं इसको जो मैंने पासवर्ड लगाया उसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। ठीक है, अब वो मेरा डाटा आ गया, अब ये बगैर पासवर्ड के ओपन होगा। ठीक है, समझ आ गई, आई होप सो समझ आई होगी। आपने क्या करना है,
जो भी फाइल्स है उसको कॉपी करना है, फिर आपने एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर उसको पेस्ट करना है, पेस्ट करके फिर दोबारा से मैं रिवाइव करती हूँ, राइट क्लिक करना है, ऐड टू आर्काइव करना है, सेट पासवर्ड करना है, यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया, फिर रीटाइप करना है पासवर्ड, फिर उसको शो कर ले, आप देख ले कि डाटा आपको याद हो कि आपने पासवर्ड सही लगाया, या फिर उसको इनक्रिप्ट फाइल लाजमी करना है, ओके करना है, ओके करना है, यस करना है, और ये आपका बन गया डाटा। ये देखें, डबल क्लिक करूंगा इसको ओपन करने के लिए, पासवर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। फिर बेशक ये पुराने को आप डिलीट कर दें, ये तो डिलीट हो गया, ये अब ये पासवर्ड वाला फोल्डर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका पासवर्ड खत्म करो, उसको उसी फॉर्म में लेके फिर राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट टू इम्पोर्टेंट डाटा, जो आपने फोल्डर का नाम बनाया होगा वो नाम होगा, उससे पहले बस एक्सट्रैक्ट टू करना है, एक्सट्रैक्ट टू, फिर फोल्डर, फिर पासवर्ड 1 2 3 4 5 और एंटर। ये देखे बन गया डाटा, ठीक है। अब ये पासवर्ड वाले को डिलीट कर दे और वो आप रह गया दोबारा से कंटिन्यू जी, ठीक है। अब मुझे वैसे दोनों नहीं चाहिए, मैं दोनों डिलीट कर देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें, किसी को मिले पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।